अगर बात करें बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की, तो 3 हफ्ते जो है अभी बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स को हो चुके हैं, और अब इन 3 हफ्तों में आखिर ऐसे कौन से कंटेस्टेंट्स हैं जिन्होंने सबसे बड़ी ऊपर की जगह जो है ऑडियंसेस के दिलों में बना दी है, ऐसे कौन से 8 कंटेस्टेंट्स हैं जिन्हें सबसे ज्यादा प्यार मिला है और ऑडियंस के रिपोर्ट कार्ड में इस हफ्ते उनका नाम टॉप 8 में आ रहा है, तो ऐसे कौन कौन से कंटेस्टेंट्स हैं जिसकी जगह 8 से लेकर फर्स्ट पोजीशन तक है, चलिए आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल गाइज, लेट मी टेल यू कि बिग बॉस जो है ये सीजन काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है, दिन ब दिन कुछ ना कुछ नए नए चीजें आ रही है, एंड यस कहीं ना कहीं घर का माहौल भी और इंटरेस्टिंग हो रहा है, कैट फाइट्स भी हो रही है, एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, मस्ती धमाल भी हो रही है, प्यार भी कहीं ना कहीं परवाना चढ़ रहा है, तो दोस्तियां भी दिखने मिल रही है। सो ये सारी चीज़ों के चलते आखिर किस किस ने अपने कौन कौन से जलवों से ऑडियंस के दिल में जगह बनाई है, लेट मी टेल यू। 8वें नंबर पर आ रही है निमृत। निमृत जो है 8 नंबर पर आने के लिए सफल हो चुकी है एंड टॉप 8 में उनका नाम आया। स्टार्टिंग में व्हेन शी वाज कैप्टन काफ़ी अच्छा खेल रही थी, बीच में थोड़ी लो चल रही थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से शी हैज़ पिक्ड अप द गेम एंड फिर एक बार कहीं ना कहीं उनका गेम लोगों को दिखने लगा है। 7वें नंबर पे सुम्बुल आ रही है। सुम्बुल थोड़े नीचे के पोजिशन पर चल रही है, पहले काइंड ऑफ ऊपर के पोजिशन पर थी, अब थोड़ा डाउन आया है, बट थैंकफुली शी इज़ स्टिल इन टॉप 8। अंकित की अगर बात करें तो अंकित को जगह मिल चुकी है 6th पोजिशन की, और घर में लोग उन्हें अभी पसंद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बाहर के लोग जो है उनके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं कि यू नो ओपन अप होने के लिए उन्हें थोड़ा वक्त लगा, बट नाउ ही हैज़ ओपन्ड अप एंड हाउ। 5th पोजीशन पे टीना दत्ता दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छा गेम खेल रही है। यू कैन हेट हर, यू कैन लव हर, बट यू डेफिनेटली कैन नॉट इग्नोर हर, एंड सेम चीज़ अप्लाई होती है फॉर अर्चना। अर्चना और AKA द सिलबट्टा क्वीन, फैंस उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, द वे शी हैज़ बीन कंडक्टिंग हर सेल्फ, इवन जो जो गेस्ट आते हैं वो भी उनकी तारीफ़ करते हैं, सुम्बुल के पिता ने उनकी तारीफ़ की, सलमान खान ने तारीफ़ की, एंड डेफिनेटली शी इज़ गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, बस भटक ना जाए बीच में कहीं, यही फैंस सोच रहे हैं, बीच में थोड़ी सी ऑफ रख जा रही है। शिव ठाकरे नंबर 3rd पोजीशन पे आ रहे हैं, टॉप 3 में जगह बना दी है शिव ठाकरे ने, एंड उनके सिंप्लिसिटी, उनके जेन्यूननेस और रॉनेस ने ऑडियंस का दिल जो है जीत लिया है। अब्दू रोजिक फॉर श्योर, एज वी नो ही इज़ द क्यूटेस्ट, और क्यूट होने के अलावा वो अपना गेम भी काफ़ी बखूबी से खेलते हैं, स्पाइंग करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, अपने ओपिनियंस भी अब देने लग गए हैं, जितना हो सके वो काम करते हैं घर का, तो लोगों का दिल जीतने में सफल हुए हैं। नंबर 1 पे आ रही है प्रियंका। प्रियंका काफ़ी राइट ट्रैक पर चल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है एंड फैंस को काफ़ी पसंद आ रही है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग पहले ही तगड़ी है, अभी और तगड़ी होती जा रही है। कुछ लोगों का कहना है हर मुद्दे में घुसती रहती है जो नहीं घुसना चाहिए, एंड शी शुड फोकस ऑन वेयर शी शुड बी। उन्हें सलमान ने भी, करण जौहर ने भी, कई लोगों ने ये सलाह दी है, अब क्या वो सलाह मानती है या फिर अपने ही गेम खेलेगी या आने वाला वक्त बताएगा, बट वट एवर शी इज़ डूइंग, इट्स वर्किंग इन हर फेवर, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। सो यस, ये है टॉप 8 कंटेस्टेंट्स। आपके नज़र में आपके कौन है टॉप 3 फेवरेट, लेट मी नो, आई विल सी यू।